लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष से सनसनी फैल गई है। मामला वासी कोपरी गांव सेक्टर 26 इलाके का है, जहां कुछ दबंगों ने मिलकर एक उत्तर भारतीय परिवार पर हमला कर दिया और घर में मौजूद बेटी और उसके दो भाइयों को धारदार हथियारों से वार कर लहूलुहान कर दिया। हमलावर इस परिवार द्वारा खुद के खिलाफ लिखवाई गई एनसी से नाराज थे। दरअसल इस परिवार ने मामूली कहासुनी के दौरान जान से मारने की धमकी मिलने पर आरोपियों के खिलाफ एनसी दर्ज कराई थी, जिससे नाराज आरोपियों ने इन्हें सबक सिखाने के लिए खूनी हमला कर दिया। फिलहाल घायल बच्चों की हालत गंभीर है और मनपा अस्पताल ने इन्हें जे अस्पताल में रिफर कर दिया गया। इस मामले में एपीएमसी पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मुझे चैन से मेरे परिवार को पूरे मारे हैं। कोई कार्रवाई करो, आपसे निवेदन है। तीन तीन बच्चे को मारा है, हर से तीन बार कंप्लेन हो रहा, कोई कार्रवाई हो। आरोपी खुले आज घूम रहे हैं। तस्वीर में चीखता चिल्लाता दिख रहा यह उत्तर भारतीय परिवार वाशी के कोपरी गांव सेक्टर 26 का रहने वाला है। आरोप है कि कल प्रकाश अय्यर और उसके कुछ साथी जबरन घर में घुस आए और इनकी बेटी की अस्मत लूटनी चाही। विरोध करने पर दबंगों ने युवती और उसके दो भाइयों पर कोयते से हमला कर दिया। इस हमले में कुल तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता का आरोप है कि यह सब प्रकाश निवास अय्यर और उसके पांच साथियों की करतूत है, इसीलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि पहले भी इनके खिलाफ एनसी दर्ज हुई थी। पीड़ित ने कहा कि यदि आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो आज उनके बच्चों पर ऐसी नौबत नहीं आती। FIR के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने समझाया कि पाँच दिन अपने घर में आराम से रहो, कोई एक दूसरे से ना बोले, तो आओ पाँच दिन में हाजिरी देना। पाँच दिन के पहले तीन दिन बाद ये लोग रेकी किए हमारे घर की, कब आते हैं कब जाते हैं, इसकी लड़की इसके बच्चे परिवार लड़की कोशिश किए। जब मेरा लड़का बचाने गया बड़ा वाला, तो उसको भी लहू लुहान खून से कोयता से मारे, डंडे से मारे। पांच लोग थे, इसके आदमी प्रकाश श्री प्रकाश निवास अय्यर के आदमी, इसने सबको बुलाया, उनसे मरवाया और मेरा छोटा लड़का बीच बचाव करने गया, उसको भी चाकू से मारा। और मेरी लड़की को काजल कुमारी राम दुलारे बैस को फरसे से मारा, इधर इधर कट गया है और जो कि अभी मौजूद चक मौजूद है। और मेरे लड़के को सर पे मारा, फट गया, इधर गले पे मारा है, कट गया है। मेरे लड़कों को गाल पे मारा है और मुझे बहुत तकलीफ। हम लोग बचाने गए लेकिन डर के मारा गए नहीं, अगर हम जाते तो हम लोग को भी मार देते। मेरी मदद करो योगी आदित्यनाथ। आपसे मुझे मीडिया वाले से हाथ जोड़ के ही विनती है, आज 15 दिन पहले प्रकाश उसका नाम है धराबी का मुंडा है बोलते हैं, वो मेरी लड़की मंदिर में पूजा करने का। हम लोग यहाँ पर लिखाने आए थे कुत्ता लेके दौड़ा था मारने के लिए, बाद में हमने उसका दुपट्टा पट्टे के बारे में इधर इसलिए नहीं बताया कि इज्जत उछलेगी। बाद में इधर मैंने एनसी लिखाई, उसको पकड़ के लाए, दो डंडा मारे। बाद में हमने कहा वो मारेगा, मुझे यहाँ धमकी दिया, पुलिस वालों के सामने धमकी दिया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। आज एक घटना हुआ कि हमारे घर में पांच लड़के आए, मेरे लड़के लोग को मेरा लड़का बोला था, लड़की लड़का को चाकू से उसका पूरा चेहरा छेन दिए और गले पर मार दिए, पूरा कोयता से मारे। पांच जन थे, मेरे बच्चे मौत और जिंदगी से लड़े और बिल्डिंग में कोई बचाने के लिए नहीं आया, खून से लथपथ थे। पीड़ित परिवार की माना तो इससे पहले भी प्रकाश अय्यर उसके साथियों ने गुंडागर्दी की थी, जिसके खिलाफ एपीएमसी पुलिस में एनसी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया।
और यही कारण है कि आरोपियों का हौसला बढ़ गया। वहीं स्थानीय लोग इस हमले को आपसी रंजिश बता रहे हैं। हालांकि मामूली रंजिश जानलेवा हमले में बदल जाएगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। फिलहाल इस घटना के बाद हरकत में आई एपीएमसी पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।